दुनिया का सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था पता है? 5 अप्रैल 1663 में, जब औरंगजेब का मामा शाहिस्ते खान को छत्रपति शिवाजी महाराज 72 हूरों के पास भेजने का पूरा नियोजन बना लेते हैं। मुट्ठी भर मराठा सैनिक मुगलों के छावनी में घुस के हर एक मुगल को काट कर जिंदा लौट आते हैं। हमारा एक भी नहीं कटता और उनका एक भी नहीं बचता। इस घटना को दुनिया का सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया है। औरंगजेब जो अपने बाप शाहजहां को कैद करके मारता है, जो अपने भाई दाराशिको का खुलेआम कत्ल कर देता है, ईस्वी सन 1658 में मुगलिया सल्तनत का बादशाह बनता है। मुगलिया सल्तनत का बादशाह बनते ही उसकी सबसे पहली नजर पड़ती है छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के ऊपर। आखिर हिंदवी स्वराज ही क्यों? क्योंकि हिंदवी स्वराज एकमात्र हिंदुस्तान में राज्य बचा हुआ था जो किसी हिंदू राजा का था। इसी मंशा के साथ मुगलिया सल्तनत का परचम पूरे में विश्व में लहराएगा। इसी मंशा के साथ औरंगजेब ने 50,000 की सेना के साथ अपने मामा शाइस्ता खान को पुणे में भेजा। ईस्वी सन 1659 में औरंगजेब अपने मामा शाहिस्ते खान को पुणे में जाने के लिए चुनता है। लेकिन आखिरकार शाहिस्ते खान ही क्यों? क्योंकि शाहिस्ते खान चतुर था, बलशाली था, पराक्रमी था और शौर्य से भरपूर था। इतना ही नहीं, वो मालवा का सूबेदार भी रह चुका था। शाहिस्ते खान गोवलकोंडा के मुहिम में सबसे आगे भी रह चुका था और दक्खन में आने के लिए शेर का कलेजा चाहिए और वही कलेजा शाहिस्ते खान के पास था। एक बात हमेशा याद रखना कि अपने दुश्मन की हमेशा तारीफ करो। दुश्मन जितना बलशाली होता है, तुम्हारे जीत का डंका उतना ही जोर से बजता है। याद रखना कि चींटी को काटकर कभी भी इतिहास नहीं रचा जाता। इतिहास तो तब रचा जाता है जब तुम्हारे एक वार से सामने वाला हाथी दो टुकड़ों में बट जाए और दुनिया तुम्हें सरसेनापति यशाजी कंक के नाम से जाने। ईस्वी सन 1660 के अंदर जनवरी के महीने में औरंगजेब के आदेश के अनुसार शाइस्ता खान दक्खन में प्रवेश करता है। दक्खन में प्रवेश करते ही शाइस्ता खान औरंगजेब का बेटा मुअज्जम से मिलता है और दक्खन की चाबी अपने हाथों में लेता है। दोस्तों, मुअज्जम वही था जो औरंगजेब की कब्र खुदने के बाद सन 1707 से लेकर 1712 तक मुगलिया सल्तनत का बादशाह बना रहा। हालांकि इतिहास के पन्नों में मुअज्जम का नाम बहादुर शाह लिखा गया है, लेकिन इसने बहादुरी वाला एक भी काम नहीं किया था। खैर छोड़ो, 25 फरवरी 1660 में शाइस्ता खान अपने सैनिकों के साथ अहमदनगर में आता है और मई 1660 में पुणे के लाल महल के अंदर शाइस्ता खान अपने सैनिकों के साथ बैठ जाता है। अब ये पुणे का लाल महल कोई आम जगह नहीं था, ये लाल महल वही जगह थी जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। एक वक्त ऐसा भी था जहां पे लाल महल के ऊपर भगवा निशान फड़क रहा था, लेकिन आज वक्त ऐसा भी है जब लाल महल के ऊपर मुगलिया सल्तनत का हिरवा ध्वज लहरा रहा था। अब किसी भी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को इस मुगलिया सल्तनत के परचम को हटाना ही था। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज के लिए एक के बाद एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ते ही जा रहे थे। ईस्वी सन 1659 में अफजल खान का वध करना, जिस युद्ध को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया हो, उस बैटल ऑफ पावनखिंड के युद्ध से जिंदा वापस लौटना, आते ही कानों पर खबर हो जाना कि महारानी सईवई छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी और शंभू राजे की मां, उनका निधन हो जाना। और यहां पर यह शाहिस्ता खान इस स्वराज को डसने के लिए नाग बनकर पुणे के अंदर आ बैठा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आते ही जा रहे थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी गिव अप नहीं किया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज महाभारत सीखे थे। उन्हें पता था कि किसी भी रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना आवश्यक होता है। दोस्तों, हमारी लाइफ में क्या हो जाता है? हमारी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और हम सीधे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना इतिहास ही नहीं पता। हमें पता ही नहीं कि इतिहास के अंदर कैसे कैसे हालातों से लड़कर जीता गया है और हमारी जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ आती है और हम सीधे सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ो और समझो। आगे बढ़ते हैं। शाइस्ता खान को किसी भी तरह से पुणे से बाहर निकालना ही होगा, फिर चाहे जिंदा या फिर मुर्दा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गुप्तहेर प्रमुख बहिर्जी नाइक को बुलाया। दोस्तों, बहिर्जी नाइक को वही थे जो मुगलों की छावनी में घुस के मुगलों की हर एक जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज तक ला सकते थे। स्वराज का गुप्तहेर प्रमुख कोई आम आदमी तो था नहीं। मुगलों की छावनी में घुसकर मुगल बनकर जो स्वराज के लिए जानकारी अपने जी जान पर खेल कर लाए, उसे बहिर्जी नाइक कहा जाता है। और बहिर्जी नाइक लाल महल के अंदर मुगल बनकर ही अंदर प्रवेश करते हैं और सारी जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज को ला कर देते हैं। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का लाल महल के अंदर बचपन बीता था, लेकिन शाइस्ते खान ने 3 सालों के अंदर अंदर पूरे लाल महल का नक्शा बदल दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने योजना बनाई, कौन कहां से जाएगा, कौन कहां से आएगा, कौन कहां से आक्रमण करेगा, हर एक छोटी छोटी योजना वहां पर बनाई गई थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े पराक्रम के लिए नहीं, बल्कि इन्हीं छोटी छोटी कर्तव्यगारी के लिए जाने जाते हैं।
छत्रपति शिवाजी महाराज शाइस्ते खान से मिले उससे पहले ही औरंगजेब का और एक सरदार और शाइस्ते खान का एक नौकर कारतलब खान छत्रपति शिवाजी महाराज को लोनावाला के पास राजवाची के जंगलों में मिलता है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने आया था। छत्रपति शिवाजी महाराज राजवाची के जंगलों में कारतलब खान से मिलते हैं और जैसे ही कारतलब खान के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं, यह कारतलब खान छत्रपति शिवाजी महाराज के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लग जाता है कि राजे हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आपका यह जंगल इतना भयानक होगा। अरे कैसा मुगल बनेगा रे तू। खैर छत्रपति शिवाजी महाराज के पैरों में गिरने के लिए हर एक मुगल की इतनी औकात थी, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल 1663 दिन था ईद का। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा होगा कि चलो इन मुगलों को ईद की राम राम बधाई दे ही आते हैं। योजना बनाई गई। चिमना जी बापूजी और बाबाजी बापूजी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे। नेतोजी पलकर दक्षिण दिशा से मराठा सैनिक का नेतृत्व करेंगे। मोरोपंत पेशवा उत्तर दिशा से मराठा सैनिक का नेतृत्व करेंगे और सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लाल महल के अंदर प्रवेश करते हैं। जितने भी मुगल सैनिक सोए हुए थे उन्हें हमेशा के लिए सुला देते हैं। अब लाल महल के अंदर इतना शोर शराबा हो रहा था कि उस शोर शराबे की आवाज को सुनकर कहीं बाहरी सैनिक सचेत ना हो जाए, इसलिए नेतोजी पलकर बैंड वाले रूम में चले जाते हैं और जितने भी मुगल होते हैं उन्हें तलवार की नोक पर रात भर बैंड बजवाते हैं ताकि अंदर की आवाज बाहर कोई भी मुगल सैनिक सुनकर सचेत ना हो जाए। इसे कहते हैं वेल प्लानिंग। लाल महल के चप्पे चप्पे के अंदर अब युद्ध हो रहा था। हर कोने से तलवारों की खड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। शाइस्ते खान का बेटा अबुल फात, जो कि सच में बहादुर था, अफगान के युद्ध में उसका काफी प्रशंसा हुई थी, लेकिन मराठाओं के तलवार के सामने वो एक पल भी ना टिक सका। अपने बेटे की मौत की आवाज सुनकर शाइस्ता की आंख खुली। छत्रपति शिवाजी महाराज उसके सामने तलवार लेकर महादेव का अवतार बनकर खड़े थे। एक पल को तो शाइस्ता को ऐसा लगा होगा कि सच में कोई ये सपना देख रहा है, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने सामने देखकर शाइस्ते खान जोर से भागा। तभी अचानक वापस लौटने का संकेत आता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज वापस नहीं जाने वाले थे। जब तक इस शाइस्ते खान को जिंदा या मुर्दा मैं पेश ना कर दूं स्वराज के धरती के ऊपर, तब तक मैं यहां से वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि इसने हमारे मां बहनों का बलात्कार किया था, इसने हमारे स्वराज के ऊपर घाव दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज उस शाइस्ते के पीछे दौड़ते हैं और तभी अचानक शाइस्ते खान एक बड़े से खिड़की से छलांग लगाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार शाइस्ते खान के ऊपर जाती है और शाइस्ते खान के 3 उंगलियां कट के बाजू में हट जाती है। उस रात शाइस्ते खान की सिर्फ 3 उंगलियां ही नहीं टूटी थी, बल्कि दक्खन पे हुकूमत करने का उसका ख्वाब भी टूट चुका था। उस रात शाइस्ते खान की मौत शायद इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि अभी उसे अपनी दूसरी औलाद की मौत भी इन्हीं 2 आंखों से देखना बाकी था, जो 1696 में संताजी घोरपड़े जिंजी के युद्ध में उसकी दूसरी औलाद को खत्म करने के बाद ही समाप्त करते हैं उसकी मंशा को। एक बात हमेशा याद रखना कि स्वराज के मराठाओं के साथ युद्ध लड़ने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और मौत ही होती है। मराठाओं के साथ लड़कर कभी भी कोई चैन की सांस ना ले सका। खैर तुम तो फिर भी मुगल थे। ये इतिहास हमारे स्वराज के पहले सर्जिकल स्ट्राइक का था। इसी का आदर्श लेकर हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी को 72 हूरों के पास भेजने का प्रयोजन बना लेते हैं और बाकी का इतिहास आप जानते ही हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शिवराम।